यस, नाउ वी विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स. एग्जाम्पल ग्रेनाइट चेंजेस टू, जैसे कि आपकी जो ग्रेनाइट होती है वो किस में चेंज हो जाती है, ग्नीस में चेंज हो जाती है. सैंड स्टोन किस में चेंज हो जाता है, क्वार्टजाइट. और आपका लाइम स्टोन मार्बल में चेंज होता है अमंग अदर्स. ये सब चेंज होते हैं और ये मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती है. नाउ इंटरेस्टिंगली ऑल मेटामॉर्फिक रॉक्स मेक एक्सट्रीमली गुड मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन. और इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम आती हैं. इनकी जो मटेरियल्स हैं आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ग्नीसिस ये इस टाइप की रॉक होती है, मार्बल देख सकते हैं, और फिर क्वार्टजाइट बोल्डर देख सकते हैं इसका पिक्चर एंड क्वार्टजाइट. नाउ जनरली मेटामॉर्फिक रॉक्स हैव ए क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंड दे आर परहैप्स द हार्डेस्ट ऑफ ऑल रॉक्स. ये सबसे हार्डेस्ट होती हैं, ये रॉक्स जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं सबसे हार्डेस्ट रॉक्स होती हैं, इसीलिए इनको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज लेते हैं. दे हैव ऑलमोस्ट टू पोर्स एंड सो दे डू नॉट अलाउ वाटर टू परकोलेट थ्रू देम. क्योंकि इनमें पोर्स होते हैं इसलिए इनके जो वाटर है वो इनसे गुजर के नहीं जा सकता है. दे ऑल्सो डू नॉट कंटेन फॉसिल्स, और इनमें फॉसिल्स भी नहीं होते हैं. नाउ वी विल डिस्कस द रॉक साइकिल. वॉट इज रॉक साइकिल, वी विल डिस्कस इन डिटेल. ड्यू टू हीटिंग मेल्टिंग इरोजन एंड डिपोजिशन एंड केमिकल एक्शन वन ग्रुप ऑफ रॉक्स लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अनोदर ग्रुप. जो आपकी एक प्रकार की चट्टानें दूसरे प्रकार की चट्टानों में किस कारण से चेंज होती हैं, हीटिंग मेल्टिंग और इरोजन और डिपोजिशन के कारण ये अपनी केमिकल एक्शन में चेंज लाती हैं और दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती हैं. द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ रॉक इज अ साइकिल. और इस प्रकार से जो ये प्रोसेस चलता रहता है या ये जो फॉर्मेशन और डेवलपमेंट होता रहता है उसको साइक्लिक प्रोसेस के नाम से जाना जाता है या रॉक साइकिल के नाम से जाना जाता है. इफ यू आर आस्क्ड दैट व्हाट इज रॉक साइकिल मीन्स द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ दीज लेयर्स ऑफ रॉक्स इन ए साइक्लिक प्रोसेस नोन एज द रॉक साइकिल. Now igneous rocks are formed first after being broken down by natural process such as weathering and erosion. जो आपके igneous rocks हैं वो सबसे पहले बनती हैं, और उसके बाद जब igneous rocks टूट करके मतलब छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं कई बार, तो इनको हवा और पानी बहा करके ले जाती है, फिर ये एक जगह डिपॉजिट हो जाती हैं. उससे आपकी क्या बनती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं. एज ए रिजल्ट डिपॉजिटेड एंड कंपैक्टेड सेडिमेंट्स फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स आफ्टर बींग सब्जेक्टेड टू ग्रेट हीट एंड प्रेशर. इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर ट्रांसफॉर्म इन टू मेटामॉर्फिक रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स मे बी बरीड अगेन एंड मेल्टेड ड्यू टू हीट एंड हीट फ्रॉम Yes, now we will discuss about the metamorphic rocks may be broken down into sediments due to natural process forces later forming sedimentary rocks and even buried again to फॉर्म मैग्मा. आपने देखा कि किस प्रकार से जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं वो वापस ब्रोकन डाउन हो जाती हैं, मतलब टूट जाती हैं छोटे छोटे पीसेस में और सेडिमेंट के रूप में एकत्रित हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है, जिस कारण से वापस से सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं. और सेडिमेंट्री रॉक्स वापस से ज़मीन के अंदर चला जाता है और मैग्मा का निर्माण करता है, मैग्मा बन जाता है पृथ्वी के अंदर हीट और प्रेशर के कारण. दस ए साइक्लिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द थ्री रॉक ग्रुप्स. और इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से एक चक्रीय रिलेशनशिप बन जाती है इन तीनों प्रकार की चट्टानों के ग्रुप में. द एंटायर प्रोसेस इज पावर्ड बाय द एनर्जी ऑफ द सन एंड इन्वॉल्व्स प्रोसेस बोथ ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एज वेल एज इन इट्स इंटीरियर. और आपने देखा कि किस प्रकार से ये पूरी जो प्रक्रिया है वो सूर्य की ऊर्जा पर डिपेंड करता है, और इसी कारण से जो पृथ्वी की सतह पर और पृथ्वी के अंदर सारी प्रोसेस होती है. नाउ uses of rocks and minerals. जो rock and minerals हैं उनके क्या क्या use होते हैं, तो the branch of geography that deals with the origin and structure of rock is called petrology. भूगोल की वो शाखा जो जो
चट्टानों की उत्पत्ति और इसकी संरचना के बारे में बताती है वो पेट्रोलॉजी कहलाती है। यानी कि आपसे ग्रामर में वन वर्ड भी बन सकता है कि इसका वन वर्ड बताइए जो हमें भूगोल की जो चट्टानें होती हैं उनकी उत्पत्ति और संरचना के बारे में बताती है, उसको क्या कहा जाता है, तो पेट्रोलॉजी। नाउ नेक्स्ट, रॉक्स कंप्राइजेस डिफरेंट मिनरल्स विच आर ऑफ इमेंस वैल्यू टू ह्यूमंस। जो रॉक्स हैं वो कई मिनरल्स से मिलकर बनी होती हैं, इसलिए इनकी ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। रॉक्स आर यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल। जो रॉक्स हैं वो बिल्डिंग निर्माण में काम आते हैं, जैसे ग्रेनाइट, सैंडस्टोन एंड मार्बल, इसका हम बिल्डिंग मटेरियल के रूप में यूज़ लेते हैं। मिनरल्स लाइक नेचुरल गैस, कोल एंड पेट्रोलियम और फॉसिल फ्यूल्स आर सोर्सेज ऑफ पावर। आपने देखा कि जो खनिज होते हैं जैसे नेचुरल गैस कोल, कोयला एंड पेट्रोलियम जो पेट्रोल होता है, या जीवाश्म ईंधन, ये सारे ही किसके सोर्स है, पावर के। इससे पावर बनाई जाती है, एनर्जी बनती है। नाउ बिसाइड्स रॉक्स हैव ऑल्सो मेड एग्रीकल्चर पॉसिबल एज सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन और डिग्रेडेशन ऑफ रॉक्स। अब आपकी जो रॉक्स हैं वो जब ये इनका डिग्रेडेशन होता है, ये धीरे धीरे टूटती हैं, तो इनके छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं उनसे एग्रीकल्चर में भी सॉइल बनती है, एग्रीकल्चर में वो काम आती है, कृषि करने में काम आती है। नाउ केमिकल्स फाउंड इन रॉक्स आर, जो केमिकल पाए जाते हैं रॉक्स में उससे क्या होता है, देखिए जो केमिकल्स फाउंड इन रॉक्स आर समटाइम्स यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स ऑल्सो। जो केमिकल्स इनमें मिलते हैं वो कई बार फर्टिलाइजर के रूप में यूज़ किए जाते हैं, यानी कि खाद के रूप में यूज़ किए जाते हैं। मोर ओवर रॉक्स कंटेन फॉसिल्स विच टेल अस अबाउट लाइफ इन द पास्ट। आपने देखा कि जो रॉक्स हैं वो किस प्रकार से इनमें फॉसिल्स रहते हैं, जीवाश्म जो सड़े गले पेड़ पौधे जमीन के अंदर चले जाते हैं, या जो कंकाल वगैरह होते हैं वो नीचे दब जाते हैं, तो उनसे फॉसिल्स बनते हैं, जीवाश्म बनते हैं, जो हमें अपने पूरा पास्ट लाइफ के बारे में हमें बताते हैं। नाउ योर चैप्टर इज़ ओवर। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस डायग्राम ऑल्सो। इन दिस डायग्राम इग्नियस रॉक्स आर गिवन, देन आफ्टर दैट सेट जो इग्नियस रॉक्स हैं उनसे टूट टूट करके सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं, फिर सेडिमेंट से डिपॉजिट होकर के सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं, और सेडिमेंट्री रॉक में हीट और प्रेशर के कारण जो चेंज होता है उससे मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं, और वापस से मेटामॉर्फिक रॉक्स जब सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंज हो जाती हैं, और सेडिमेंट्री रॉक अंदर जा कर के मैग्मा का निर्माण करती हैं। नाउ योर चैप्टर इज कम्प्लीटेड। नाउ योर वीकली टेस्ट आर स्टार्टेड फ्रॉम द 20th date, so you have to revise and read the complete chapter, because question may be asked on the understanding based। आपसे क्वेश्चन जो आपने चैप्टर समझा है उसके आधार पर पूछे जाएंगे, और आपकी जो बुक एक्सरसाइजेज हैं उससे भी पूछे जा सकते हैं। तो आपने जो भी मैंने समझाया है वो अच्छे से आपको वीडियो लेक्चर से समझना है, क्योंकि इनसे ही मैं क्वेश्चन आपके बना के दूंगी। तो आप ये मत समझना कि जो बुक के पीछे एक्सरसाइज है वही आएंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड प्रिपेयर फॉर योर टेस्ट। थैंक्स।